सुलेमान अलैहि सलाम के वक्त में एक खातून का जिक्र है, एक ऐसी रानी का जिक्र है जिसकी बहुत बड़ी मतलब सल्तनत थी, वो उनके ऊपर राज करती, उसका नाम था बिल्किस, मलिका बिल्किस। तो जब ये खबर एक परिंदे के मातहत से, परिंदे के जरिए से पहुंची हजरत सुलेमान अलैहि सलाम तक, उस परिंदे का नाम लिखा है कुरान शरीफ में हुदहुद। हुदहुद नाम सुना? हुदहुद को अगर हिंदी बोले तो वो एक छोटी सी चिड़िया होती है, और इंग्लिश में उसको डव कहते हैं। तो वो डव जो है वो उनका एक तरीके से मुखबिर था कहीं हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का। तो उड़ता उड़ता उस जगह पे पहुंचा, बात की कैफियत देखी, देखने के बाद अपनी जबान से हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के सामने उसने अर्ज कर दिया कि या नबी अल्लाह, इस तरह का मैंने देखा कि बहुत बड़ा राज्य है और वहां पर एक खातून है, औरत है जो उसके ऊपर राज करती, और उसका बहुत बड़ा महल, और उसमें सबसे बड़ी खास बात जो मैंने देखी वो मैंने आज तक नहीं देखी। बोले वो क्या? बोले उसका एक तख्त जो कि सोने से चांदी से बना हुआ, जवाहरात उसमें जड़े, बहुत वसीह, बहुत बड़ा। तो मुफस्सिरीन ने उसमें बताया, आप सिरातुल जिनान नाम की एक तफसीर है, बहुत सरल है, उर्दू में, शायद हिंदी में भी आ चुकी, उसको जब आप पढ़ेंगे सूरत नमल में तो आपको पता चलेगा, उसमें वहां से लंबाई देखेंगे ऐसे 80 गज की लंबाई और चौड़ाई उसकी 40 गज की और जमीन से उसकी ऊंचाई 30 गज की। आप सोचिए कितना बड़ा होता रहा होगा। और उससे यह भी साबित हुआ कि पहले के जो लोग होते उनकी कद काठी बहुत बड़ी होती थी, समय के साथ साथ धीरे 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 हम लोगों की कद काठी आगे 5 फीट 6 फीट ना करके रुक गई एवरेज। लेकिन पहले हजरत आदम अलैहि सलाम के वक्तों से लेकर के हजरत शीश अलैहि सलाम, हजरत नूह अलैहि सलाम, वहां तक के जो इंसान अल्लाह ने बनाए थे उनकी कद काठी काफी लंबे चौड़े होते। इस बात से पता चला क्योंकि जब वो बैठती रही उतने बड़े तख्त में तो उसका जिस्म भी उतना बड़ा रहा हो, और चूंकि उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहि सलाम थे तो आपकी जिसामत उस तरह से रही होगी। तो खास बात पता चली कि उसमें एक तख्त है, जैसे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को पता चला आपने एक एलची रवाना किया जिसको कहते हैं मैसेंजर, अपना संदेश उन्होंने भेज दिया कि आप जाइए और जाकर के हमारा पैगाम पहुंचाइए उस खातून के पास कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जो है आपको इस्लाम की दीन की दावत देते हैं, आप सूरज की पूजा को छोड़िए और एक माबूद अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और हमारे शरण में आ जाइए, हमारे साथ मिल जाए, नहीं तो हम अपना लश्कर लेकर उनके ऊपर पेश कर भी करें। जब ये बात उस खातून को पता चली, अपने वजीरों से उसने बातचीत की क्या किया जाए, तो उसमें से कुछ ने उसको मशवरा दिया कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उनसे लड़ाई करते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा लश्कर है, हमारे पास भी सैनिक है, हमारे पास भी बहुत सारे हथियार है। लेकिन उसके दिल में गवारा नहीं हुआ और उसने कहा कि नहीं, खत लिखने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उसको हम लोग मानते हैं, उसको कोई नेक बंदा मालूम होता है तो हम इसके पास चलते हैं और चल के उनसे गुफ्तगू करते हैं और अगर उनकी बात समझ में आ जाएगी तो हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अब वहां से वो अपने सारा तोहफा तहफ लेकर के हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की बारगाह में चलने के लिए निकल गए। अपने दरबार में बैठे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को जब ये खबर पता चली तो उन्होंने अपनी नशिस्त, यहाँ पर खास बात बताऊं तवज्जो देखिएगा, अपनी नशिस्त में उन्होंने कहा जिसकी तर्जुमानी कुरान में है कि कौन है जिस तख्त की तारीफ हुदूद कर रहा था उस तख्त को उस रानी के यहां पहुंचने से पहले, यहां पहुंचने से पहले उसको यहां ला करके हाजिर कर दे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, वो रानी जब वहां से निकली तो उसने अपने उस तख्त को, क्योंकि बहुत कीमती था, तो उसने 7 महलों के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक महल के पीछे सबसे आखिरी महल में 7 महल में रखा, ताले के ऊपर ताला करके 7 ताला उसने लगवाए बड़े बड़े, और तब वहां से वो रवाना हुआ। अब हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने दरियाफ्त करते हैं अपनी कौम से, तो कुरान शरीफ में लिखा है उसमें से जिन खड़ा हुए, जिन खड़ा हो गया, उसका नाम इफरीत था। कहने लगा कि हुजूर मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले, जैसे आप इस नशीस से उठेंगे उसके पहले उसके 80 गज लंबे, 40 गज चौड़े और 30 गज ऊंचे भारी भरकम तख्त को लेकर के हाँ आ जाऊंगा। आपकी नशीस से खत्म होने से पहले आप मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा ही, राजा लोग कितनी देर बैठते हैं बादशाह, कुछ ही टाइम कुछ खास बातें करने के बाद उनकी खत्म होगी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम कहते नहीं, देर हो जाएगी। तब भी लिखा है कुरान शरीफ में कि उसमें से किताब का इल्म जानने वाला एक इंसान वहां पर बैठा था, जिन नहीं इंसान बैठा था। उसने क्या कहा कि आपके हुजूर आपके पलक झपकने के बीच में मैं उस तख्त को वहां से यहां ला, समझ गए। और चूंकि वो नबी नहीं थे, वो कौन थे, अल्लाह के वली थे, उनका नाम लिखा हजरत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आसिफ बिन बरकिया, तो आपने इजाजत परामर्श फरमाई और यूं जैसे पलक झपका तो जैसे लोगों का पलक झपका वो तख्त वहां से वो
उठ के कहां हाजिर हो गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। ये अल्लाह के वलियों की करामत का एक मिसाल है। और कैसे वो करामत हासिल, उसने लिखा है इसमें कुरान शरीफ की तर्जुमानी में कि इसमें आजम मालूम था, यानी अल्लाह का वो नाम जिसको इसमें आजम यानी सबसे बड़ा इस्म कहा जाता है, उसके अमीर ने उसकी बरकत से आपने दिल ही दिल में दुआ की और अल्लाह ताला ने उस तख्त को अपनी कुदरत से उस जगह से लाके यहाँ पर में रख दी। जब वो यहाँ पहुंची उसके बाद तभी उसका वाकया है कि आई उसके बाद बहुत सरप्राइज हो गई, उसने दीन इस्लाम कबूल किया। मगर यहाँ पर पॉइंट पकड़ने का ये है कि इस तरह की करामतों का जहूर वक्तन फवक्तन अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से होता रहा है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है जो इस्लाम से दूर है वो इस्लाम की हकानियत पता चले और वो इस्लाम में दाखिल हो। दूसरा, जो इस्लाम में है लेकिन उनका ईमान मजबूत नहीं, अल्लाह और रसूल पर उस तरह का ईमान नहीं, उस ईमान को मजबूत करने के लिए भी अल्लाह के वली करामत दिखाते हैं। और वहीं पर भी लिखा है कि करामत दिखाना, इसी तरह से नॉर्मली करामत दिखाना अल्लाह के वलियों को इसकी इजाजत नहीं है। इसी हालत में है कि जब यहाँ तो दीन का फरोग होता हो या दीन की इशाअत होती हो, यहाँ पर या दीन को बचाना जहां पर जरूरी हो जाता है वहां पर उनको करामत दिखाने की इजाजत दी गई। तो करामत हुई वो जो अल्लाह के वलियों की तरफ से, और मौजजा हुआ वो जो अल्लाह के नबियों की तरफ से।